एक समय था जब गुरुकुल को शिक्षा दान का सबसे बड़ा और पवित्र घर समझा जाता था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के इस दौर में शिक्षा अब एक कमाई का जरिया बन गई है और गुरुकुल लुटेरों का घर बन गए हैं। सिर्फ भारी भरकम फीस ही नहीं बल्कि ड्रेस से लेकर बैग और किताबों में भी कमीशनखोरी का एक गोरख धंधा आम आदमी की जेब पर डाका डालने का साधन बन गया है। देखिए इसी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हमारी ये खास रिपोर्ट। भाई घर में अगर उस तरंग का कपड़ा खरीदकर अगर माता पिता खुद सिलकर अगर वो यूनिफॉर्म तैयार करते बच्चे को तो वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं अलाउ की जाती है? सिर्फ इसलिए कि साहब उसमें फलाने जो है दुकान का लोगो नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो लोगो लगा हुआ वो जो यूनिफॉर्म खरीदे और उसके लिए एवज में 400-500 रुपए ज्यादा दिए जाए। किताब वहीं से खरीदी जाए जहाँ से निर्धारित की गई है। अगर आपने अपने सीनियर की किताब ले ली पुरानी तो साहब उसमें हर साल एक नया चैप्टर एक नई लाइन उसको बदल दी जाती है। ये जो सेंट्रल स्कूल में चल रही है किताबें और ये मिशनरी स्कूल में चल रही है, इसमें फर्क क्यों है? इसमें आप तीन किताबों से नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों आपको ऐसे स्कूलों को जानता हूँ जिसमें 16 किताबें चल रही है, जिसमें 4,000-5,000 रुपए के सेट्स आ रहे हैं, 5,000 रुपए के सेट्स आ रहे हैं। आपको पता है क्या मार्केट में? आप बताइए सेंट्रल स्कूल की किताबें कितने रुपए में आती है? ऐसी की अगर सिलेबस में है। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है, यही फ्लेक्सिबिलिटी है। आप भी बताइए मिशनरी स्कूल की किताबें 5,000 रुपए की क्यों है और सेंट्रल स्कूल की किताबें 350 रुपए की क्यों है? शिक्षा माफिया की खुली लूट पर नकेल कसने की मुहिम इंडिया फर्स्ट न्यूज ने अपने चैनल पर एक डिबेट के माध्यम से शुरू की थी। उसका असर भी दिखा। जिम्मेदार अधिकारी खबर से जागे और दूसरे ही दिन राजधानी के दो बड़े स्कूलों में बाल आयोग और शिक्षा विभाग की टीम ने धावा बोल दिया। राजधानी के एक बड़े निजी स्कूल वर्ल्ड इंटरनेशनल में पहुंची इस टीम के सदस्यों के सामने छात्रों ने ही स्कूल की पूरी पोल खोल कर रख दी। अच्छा ये क्या आपको कार्ड डाल के देते हैं या पता देते हैं? यहाँ जो नजारा दिखा वो अद्भुत था। एक ही क्लास में चार कलर की टी शर्ट पहने बच्चे, बस्तों पर स्कूल का मोनो, भारी भरकम बैग और बैग में एनसीईआरटी की जगह मोटा कमीशन देने वाले पब्लिशर्स की किताबों की भरमार। स्वाभाविक है ये सब सिर्फ और सिर्फ धन इकट्ठा करने की कवायदे हैं। और बच्चों का साफ कहना, हमें बताया जाता है कि कहां से खरीदना है ये किताबें और ड्रेस। बच्चों से बात करने, उनकी शिकायतें सुनने के बाद जब आयोग की टीम प्रिंसिपल के कमरे में पहुंची तो उनके चेहरे के रंग बता रहे थे कि उनके होश उड़े हुए हैं। ऊपर से आयोग के सदस्य बृजेश चौहान के सवालों की बौछार से प्रिंसिपल सिर्फ जी के अलावा अपने बचाव में कुछ और नहीं कह पाए। बात जब राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों की आई तो पता चला कि स्कूल में इस नियम के तहत बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाई ही नहीं जा रही है और कलेक्टर गाइडलाइन के बारे में बोली, देखना पड़ेगा। चार डेज से एक क्लास, ये कौन सा सिस्टम है? कहाँ लिखा है, किस रूल में लिखा है कि आपको चार कलर की ड्रेस प्रोवाइड करानी है एक ही क्लास में? एक कलर हो तो चलो मानते हैं कि भाई सारे स्कूलों में एक कलर होता है, एक ही क्लास में चार रो हाउस बना दिया। एक साइड वाला हरी कलर की टी शर्ट वाला बैठी है बेटी, उसमें लाल कलर की बेटी और नीले कलर की बेटी, ये कौन सी गाइडलाइन है? गाइडलाइन नहीं, असल में हाउसेस बने होते हैं तो जितने बच्चे हैं कलर के ना मानते हैं, तो हमने वो दो सेट ना लेके हमें तीन तीन दिन दो यूनिफॉर्म किए हैं। बच्चे के पास अगर लाल है तो वो लाल वाली है, तो हरी लाल नीली नहीं है उसके पास। ये इसका मैं स्कूल वालों को उद्देश्य समझना चाह रहा हूँ कि आपके चार रो हाउसेस बना दिए जाते हैं, इसके पीछे क्या आपका तर्क है, मतलब किस लिए बनाए जाते हैं चार रो हाउस? हफ्ते में दो दिन हमारे यहाँ, एक दिन गेम्स के कॉम्पिटिशन होते हैं और एक दिन बाकी कॉम्पिटिशन होते हैं, कुछ भी डिबेट है ये है दूसरी चीज है, तो उसमें हाउसेस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है कि अगर एक क्लास में एक ही ड्रेस पहना दी जाए तो आइडेंटिटी बना के भी हम उसके लोग उसका प्रतिनिधित्व करा सकते हैं, उसका प्रेजेंटेशन करा सकते हैं। अब ये तो सीधा ये हो गया कि चार ड्रेस खरीदी उनको, मैंने चार अलग अलग कलर की ड्रेस चार एक ही क्लास में चार लोगों ने खरीदी, तो सीधा आप तो ये तो दिख रहा है सीधा कि उनको बना के ड्रेस खरीदना चार चार कलर की एक ही दुकान से, वो तो बता रहे हैं कि परफेक्ट।
उसके अलावा कहीं मिलती नहीं। आपके पास ये कलेक्टर गाइडलाइन आई है कि नहीं आई है? पहले तो मैं आई, आपने पढ़ी है इसको? वो देखना पड़ेगा क्या है। आपने इतने दिनों पढ़ी नहीं? नहीं नहीं, देखना पड़ेगा कागज के आप क्या दिखा रहे हैं। मैं आपको गाइडलाइन दिखा रहा हूँ, देखिए 19-2-20 का पत्र है। हमें लगता नहीं कि आपके स्कूल में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो उस गाइडलाइन का उल्लंघन कर रही है। देखिए हमने यहाँ से नाम किसी भी दुकान का नहीं लिया है ना। आपके सारे बच्चों ने कहा है जी, लगभग बड़ी क्लास के बच्चों ने, कि आप एक कार्ड देते हो आईडेंटी कार्ड, उसमें सात दुकान का पता लिखा रहता है, ये इतने सारे लोग मौजूद हैं। अच्छा नहीं, आप सब कुछ गलत नहीं बोल रहे। मैं पूछती हूँ कि क्या ऐसा कोई कार्ड इशू किया जाता है? मेरी जानकारी में कतई नहीं इशू नहीं किया जाता। आप जब एडमिशन का फोल्डर देते हैं उसी समय एक कार्ड डाल के देते हैं। अच्छा, पर्टिकुलर इस दुकान से? देखिए ये तो क्या है, कई तरीके होते हैं हमारे, कि हमें दुकान पर पहुँचाना है या हमें कोई भेजना है पर्टिकुलर एक दुकान से लेना। आपके टीचर ने बोला और मैंने ये बोला कि प्रिंसिपल मैडम बोल रही है कि बच्चे हैं नहीं सर, रंजीत सर को बुलाओ। तो उन्होंने कहा टीचर ने कि नहीं एक भी बच्चे नहीं है साथ। एक सर ऐसा कोई क्लास है अपने पास 2 तक जिसमें कोई भी आरटी का बच्चा नहीं है? पॉसिबिलिटी नहीं है सर, पॉसिबिलिटी नहीं है कि बच्चा नहीं है। हर साल आपकी टीचर कह रही है? आप टीचर को नहीं पता होगा, लेकिन क्यों पता नहीं, टीचर पढ़ाती तो उसको नहीं पता। अभी हमारा नया सेशन शुरू हुए 10 दिन में, नई टीचर को नहीं मालूम होगा कि नए वाले आप पिछली क्लास टीचर को बुला लें तो उनसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। टीचर की आती एक साथ एक भी सर, लेकिन मैं आपको गारंटी दूं सर, वो लिस्ट दीजिए आरटी के सब दीजिए सब सर, ये आरटी के बच्चे हैं, आप चाहे तो क्लास में जाके कंफर्म। आप देखिए कितने सारे आपकी कलेक्टर गाइडलाइन और इन सबका पालन करिए, और आपके यहाँ से जो बच्चों को कार्ड या किसी तरह की चीज देना है ये बिल्कुल गलत है, ये दोबारा ऐसी शिकायत कभी आनी नहीं चाहिए। आपको दोबारा नहीं मिलेगी, ये मैं आज के बाद अश्योर कर सकती हूँ। अगर देते हैं वहाँ पर तो ये मेरी भी जानकारी में नहीं है, जो एक गलत बात है। मैं भी इस बारे में हूँ तो मैं समझती हूँ, अगर ऐसा है तो आज के बाद कोई कह रहे आपको कार्ड। अब जरा इस स्कूल की भारी भरकम फीस के बारे में भी जान लीजिए। इंजीनियरिंग से भी महंगी यहाँ पर स्कूली शिक्षा। पहली से तीसरी तक की सालाना फीस 48,000, चौथी से पांचवी तक 50,000, छठवीं से आठवीं तक 56,000, नौवीं से दसवीं तक 60,000 और ग्यारहवीं और बारहवीं के छात्रों को सालाना 65,000 फीस देनी पड़ती है। यहां एडमिशन के लिए आवेदन भी 1,000 ही है, और अगर एडमिशन मिल गया तो 15,000 चढ़ावा एडमिशन फीस के रूप में। शिकायतों का दौर यही नहीं थमा। बच्चों ने बताया था कि स्पोर्ट्स टीचर अपशब्द कहते हैं और दिन भर गुटखा चबाते रहते हैं, सो स्पोर्ट्स टीचर की भी क्लास हुई। थोड़ा ना नुकुर करने के बाद स्पोर्ट्स टीचर बोले, सर अब शिकायत नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग हमें 10 बच्चों ने शिकायत की, हम आपके खिलाफ तो अभी प्रिंसिपल को लिख के दे ही रहे हैं, स्कूल करेगा कार्रवाई, लेकिन ये बिल्कुल अनुचित है। जहाँ टीचर शब्द जुड़ा होता है वह गुरु की संज्ञा समझने की कोशिश करिए। आप इस तरीके से स्कूल में बच्चों के साथ अपशब्द नहीं कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ सर, जो भी बच्चों ने बोला है मैं उनसे नहीं, आप बच्चों को डराएंगे धमकाएंगे बच्चों को? आप बिल्कुल बच्चों को डराएंगे नहीं, कोई बात नहीं करेंगे। बच्चों ने अगर बोला है हम उसकी जांच कराएंगे ठीक है स्कूल से, और अगर सही पाया गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब जरा प्रिंसिपल मैडम के तर्क सुनिए, हंसी आ जाएगी आपको। बैग पर मोनो के सवाल पर कहती हैं पुराने बैग हैं, पालकों पर भार ना पड़े इसलिए पुराने बैग लाने की इजाजत दे दी, अब बदलाव करेंगे। बाल आयोग और शिक्षा विभाग की तरफ से एक टीम मेरे स्कूल वर्ल्ड वे इंटरनेशनल में आज उपस्थित थी, और कलेक्टर के गाइडलाइन के तहत जिन चीज़ों को स्कूलों के लिए बताया गया है उनसे संबंधित वो जानकारी हमसे लेने आए थे, और उन्होंने स्कूल भी विजिट किया, बच्चों से भी बातचीत करी और आरटीई की जानकारी ली और कुछ सुझाव हमें दिए, और उन सुझावों पे हम पूरी तरह से अमल करेंगे। आरटीई की जानकारी उन्होंने मांगी, तो जो हम कई सालों से आरटीई के बच्चे हमारे यहाँ एडमिट हो रहे हैं और उन पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है, इसकी हमने जानकारी उनको दी। क्या उन्हें इस तरह कलेक्टर गाइडलाइन आई है जो आपको उसके बारे में जानकारी? हाँ मुझे जानकारी है। उसके बाद भी सेशन नया स्टार्ट हो गया और बैग पर मोनो है? बैग पर मोनो इसलिए है क्योंकि वो बच्चे पुराने बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो उससे संबंधित हम अब जानकारी पेरेंट्स को बोलेंगे कि बदलें, क्योंकि इस समय आर्थिक भार पेरेंट्स पे रहता है, तो हमने अभी बैग बदलने को उनसे नहीं कहा, पर जो नए बैग आ रहे हैं उनमें मोनो नहीं है। एनसीईआरटी की बुक को कितनी तवज्जो? एनसीईआरटी की बुक हमारी सीनियर्स जो क्लास हैं उनमें 100% है, जो मिडिल क्लासेस हैं उनमें 50% है, और लोअर क्लासेस में कम है।
लोअर क्लासेस में हम धीरे धीरे इसको अब अमल में लाएंगे, क्योंकि इस साल जैसा जैसा सरकार ने कहा है उस हिसाब से हम उसको धीरे धीरे अमल में लाएंगे। NCERT जिस तरह से हमको मैसेज मिलता है उस हिसाब से प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें भी लगाई जा सकती हैं, ये हमको ऐसा जो भी जानकारी है हमको उस हिसाब से। ये सारा माजरा देखकर बाल आयोग के सदस्य हतप्रभ और गुस्सा हैं। कहते हैं कलेक्टर गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, बच्चों ने बहुत सारी शिकायतें की हैं, कार्यवाही की जाएगी। इंडिया फर्स्ट न्यूज की खबर का व्यापक असर हुआ है। बीते दिनों हमने दिखाया था कि लगातार बिगड़ती स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर क्या स्कूल कार्रवाई कर रहे हैं, जिसको लेकर आज वर्ल्ड वे इंटरनेशनल स्कूल में बाल आयोग की टीम आई हुई है। आइए हम बाल आयोग के सदस्य बृजेश चौहान जी से पूछते हैं कि आज क्या हुआ है। आज हमने यहाँ पर स्कूल का निरीक्षण किया है और यहाँ पर बच्चों से हमें कुछ शिकायतें मिली हैं, जिनको लेकर हम स्कूल को अभी डायरेक्शन भी देंगे और कार्रवाई भी करेंगे। जो हमें अनुचित लगा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, जो कलेक्टर गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है यहाँ पर उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, कलेक्टर की कौन कौन सी गाइडलाइन का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है? कुछ ड्रेस को लेके है कि पर्टिकुलर दुकान से ये ड्रेस यहाँ से काट दिया जाता है, ऐसा कुछ बच्चों ने बताया है, हमें कुछ कंप्लेंट्स की है, और ड्रेसेस वगैरह पर्टिकुलर दुकान पे मिलती है, बैग पे मोनो लगा हुआ है, और भी शासन की जो गाइडलाइन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन का जो फॉलो नहीं कर रहे हैं स्कूल, उन सबकी के इसी संबंध इसी तारतम्य में आज हमने दो स्कूलों का निरीक्षण किया, उसमें ये वर्ल्ड वे स्कूल है, जिसमें कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिली हैं जिसके हम अभी निर्देश भी देंगे और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। कार्रवाई किस तरह की जाएगी, क्या जो उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है तो उसके तहत क्या कार्रवाई करने वाले हैं? इसमें हम कलेक्टर को अनुशंसा करेंगे, वो कलेक्टर के ऊपर रहता है, उसमें जुर्माना भी हो सकता है, कलेक्टर मान्यता भी कर सकता है, जो रूल एंड रेगुलेशन नियमों में होगा वो नियम के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। क्या आपकी इस विषय पर प्राचार्य से भी चर्चा हुई है? हाँ, हमने प्राचार्य को कुछ डायरेक्शन दिए हैं और अभी हम जाकर रिटर्न में इनको हमारे साथ DPC महोदय, शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी हमारे साथ थे, उनके द्वारा हम रिटर्न में इनको नोटिस देंगे, उसका जवाब मांगा जाएगा। बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं रही यहाँ पे, बच्चों का क्या मानना? कुछ हमें कुछ प्रॉब्लम्स बताई है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, कोई स्पोर्ट्स की, कोई टीचर भी एक जो है स्पोर्ट टीचर जो है अपशब्द कहता है, राजश्री गुटका जैसी चीज़ें भी खाता है, ऐसी कुछ हमें बच्चों ने कंप्लेंट्स की है कि एक टीचर पूजा दास है कोई जो मारती है बच्चों को, इस तरीके से कुछ चीज़ें हमारे सामने निकल के आई है, जिसको लेके हम अभी स्कूल को डायरेक्शन देंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ये विवाद जो तूल पकड़ा है, ये मुद्दा जो शुरू हुआ था ये यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर हुआ था, यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर इस स्कूल में क्या स्थिति है? यूनिफॉर्म और स्कूल को किताबों को लेके जो मुद्दा इस समय वर्तमान में छिड़ा हुआ उसको लेके हमें यहाँ पर स्कूल में कुछ ऐसी चार रंगों की अलग अलग ड्रेस बच्चे एक क्लास में पहन रहे हैं, इसको लेके हमने कुछ सवाल जवाब प्रिंसिपल से किए हैं कि ये जो ड्रेस कोड है वो भिन्न भिन्न क्यों है, एक क्लास में चार अलग अलग रो हाउस क्यों बनाए गए हैं, इसको लेके हमने उन्होंने जवाब सवाल किए हैं, इसको नोटिस भी भेजा जाएगा कलेक्टर गाइडलाइन का जो उल्लंघन कर। किताबों को लेकर कुछ NCERT की यहाँ बुक्स पढ़ रहे हैं बच्चे, बाकी अलग अलग प्राइवेट पब्लिकेशंस की भी है, जो रूल होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर डायरेक्शन देंगे। तो देख सकते हैं, ये थे मेरे साथ बाल आयोग के सदस्य बृजेश चौहान। अभी हम मौजूद है वर्ल्ड वे इंटरनेशनल स्कूल में। जिस तरह से कलेक्टर की गाइडलाइन आ गई थी 20 फरवरी को कि इस तरह के कुछ भी मोनो के साथ स्कूल की किताबें और स्कूल के यूनिफॉर्म बेचना गलत है, किसी एक स्कूल को निर्धारित करना गलत है, उसके बावजूद भी निरंतर प्राइवेट स्कूलों के तहत इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि बाल आयोग की टीम किस तरीके से इसको लेकर कार्रवाई करती है। कैमरामैन सुजीत के साथ वर्षा श्रीवास्तव, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।